तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं एक यूट्यूबर हूं ना कि एक सलाहकार। मेरा काम केवल रोज नई नई वेबसाइट और कंपनियों की जानकारी देना है क्योंकि आजकल बहुत ठगी चल रही है। तो अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करने से पहले कंपनी की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें और जो भी पैसा निवेश करें वो सोच समझ कर करें क्योंकि इससे आपको पैसे की हानि भी हो सकती है। इसलिए पैसा अपनी जिम्मेवारी के ऊपर ही निवेश करें क्योंकि हम आपको किसी भी कंपनी में पैसा निवेश करने की सलाह नहीं देते और ना ही हमारा कंपनी से कोई लेना देना है। हम सिर्फ आपको कंपनी के प्लान दिखाते हैं ना कि आपको पैसा निवेश करने की सलाह देते हैं। अगर आपके साथ किसी प्रकार का भी लॉस या फिर प्रॉफिट होता है तो उसमें सर चमेलम का कोई योगदान नहीं होगा। तो आप जो भी करें अपनी देखरेख सूझबूझ और अपनी जिम्मेवारी पर ही करें। हमारा स्लोगन है एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब यहाँ सब कुछ संभव है। तो क्या है अमेज मंत्रा? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। अमेज मंत्रा साथियों एक पायनियर कम्युनिटी बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। पायनियर मतलब अग्रणी है, उभरता हुआ एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हम शॉपिंग कर सकते हैं, साथ में एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे का के साथ जुड़ के एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। और अमेज मंत्रा के थ्रू हम जानते हैं कि नए आयाम क्या हो सकते हैं शॉपिंग के और अमेज मंत्रा का कुछ मिशन विजन और वैल्यूज हैं। अमेज मंत्रा का मानना यह है कि एक अकेला आदमी जो काम कर सकता है ना, तो कम्युनिटी अगर मिल जाए, एक ज्यादा लोग जो मिल जाए तो वो ज्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं। कोई व्यक्ति चाहे एक काम को नहीं भी कर सकता, लेकिन कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी हम एक टीम के माध्यम से हम कर सकते हैं। और हम जब टीम बन के काम करेंगे, एक टीम बना के कम्युनिटी बना के काम करेंगे तो ऐसे असंभव से दिखने वाले कार्य भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। और अमेज मंत्रा में जुड़ने वाले सभी व्यक्ति ग्रो करें, एक साथ मिलके फाइनेंशियली फ्रीडम में जाएं, अपने जरूरतों को और अपने सपनों को साकार करें, ऐसा हमारा मिशन विजन विजन और वैल्यूज है। तो साथियों ये कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि MCA सर्टिफिकेट है, साथ में सेकेंड नंबर पे आता है GST सर्टिफिकेट आ जाता है, फिर पैन कार्ड सर्टिफिकेशन आ जाता है। कंपनी का जो पूरा नाम है वो है कैशनेट कार्ड सेल्स एंड सर्विसेज LLP। अमेज मंत्रा हमारा डोमेन नेम है या ब्रांड नेम भी आप कह सकते हैं। कंपनी के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं कैशनेट कार्ड सेल्स एंड सर्विसेज LLP के नाम से है। तो कंपनी पहले दिन से ही जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को पूरा करते हुए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के तहत काम कर रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। साथियों अमेज मंत्रा के साथ में हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट? तो इसके लिए सर सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है फ्री में। ये रजिस्ट्रेशन फ्री में हो जाता है। जिस भी व्यक्ति ने आपको ये बताया कि अमेज मंत्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, कुछ भी बताया, उसे कहिए कि उसको उसके साथ में आपका रजिस्ट्रेशन वो करवा देगा, है ना, अपना रेफरल आईडी देके। इसमें आपका नाम लगेगा, पूरा नाम देना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स में है, बैंक में है, पैन कार्ड के ऊपर है, वो नाम देना है, साथ में आपका मोबाइल नंबर जो वर्किंग है और एक ईमेल आईडी जो आपने अपने मोबाइल में चला के रखा है, राइट। तो ये तीन ही चीज आप देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फ्री में। इसमें पूरे देश भर में कोई भी पैसा लगता नहीं है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फर्स्ट टाइम आपने सबसे पहले मात्र ₹1,000 डाल के अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है और ये पैकेज रहेगा ए, इसका नाम रहता है ए। तो ₹1,000 में आपकी आईडी एक्टिवेशन हो जाती है, तो यहाँ से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। जब आप ₹1,000 देके अपनी आईडी को एक्टिवेशन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है? सबसे पहले आपको ये तुरंत ही ₹200 के 5 वाउचर मिल जाते हैं, जिनको ट्रेवल वाउचर भी हम कह सकते हैं। इसमें ये जो ट्रेवल वाउचर आपको मिलते हैं 200 रुपए के, इसमें आप बस की टिकट जो बुकिंग करवाते हैं वहां पे आप ₹200 का डिस्काउंट ले सकते हैं, है ना, जैसे देख रहे हैं आप पहले ये पिंक कलर में। इसके अलावा आप अगर सिटी में कहीं पे कैब बुक करवाते हैं तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर में अगर आप हवाई जहाज की यात्रा करना चाहते हैं तो फ्लाइट बुकिंग में भी आप यूज कर सकते हैं। कहीं जाके आपको होटल में स्टे करना है तो वहां पे होटल के बिल में भी इसको डिस्काउंट करा सकते हैं। तो ये इस तरह से कंपनी ने आपसे आपकी आपने जो है कंपनी को ₹1,000 दी अपनी आईडी को एक्टिवेशन करने के लिए, इसके बदले में ₹1,000 के बराबर आपको वाउचर मिल जाते हैं। अच्छा कुछ लोग सोचेंगे यार इनका तो हम क्या करेंगे, हम तो कहीं जाते नहीं, घर में ही रहते हैं, जब से पैदा हुए तब से अभी तक घर में ही है, कहीं गए ही नहीं, कैब हम बुक करवाते नहीं, फ्लाइट में हम बैठना नहीं चाहते, होटल में तो हम कभी रुके ही नहीं, ना रुकेंगे, तो हमारे लिए तो बेकार ही है ये, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा। तो साथियों इसी का ध्यान रखते हुए कंपनी ने क्या कहा है कि चलो भाई ऐसे भी कुछ लोग होंगे, ज्यादातर तो यूज करेंगे पर कुछ लोग नहीं भी करेंगे इसको यूज,
तो कंपनी ने एक शॉपिंग पोर्टल पे सामान परचेजिंग करने के लिए आपको 2,000 रुपए के शॉपिंग पॉइंट्स दे दिए। ये डिस्काउंट पॉइंट है आपके पास, मतलब 1,000 रुपए आपने दिए अमेज मंत्रा में अपनी आईडी एक्टिवेशन के लिए या प्राइम मेंबरशिप के लिए कह सकते हैं। जैसे हम कई सारे शॉपिंग पोर्टल पे भी अपनी प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए पे करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी उसके दुगने 2,000 रुपए के आपको शॉपिंग पॉइंट्स दे देती है, डिस्काउंट पॉइंट दे देती है। ये 2,000 पॉइंट्स आपके 2,000 रुपए के बराबर ही है। तो जब भी आप कंपनी के शॉपिंग पोर्टल से परचेजिंग करेंगे तो ये आपको वहां पे डिस्काउंट दिलाएंगे। आइए जानते हैं कि ये शॉपिंग पॉइंट्स कैसे यूज हो जाएंगे, है ना, क्या क्या इसमें मिलने वाला है। तो इसमें कई सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, कई लोकल फॉर वोकल भी मिलेंगे। तो ये शॉपिंग पॉइंट से आप कई सारे ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं, जैसे पतंजलि है, पूरे देश में नाम जाना माना है, पार्क एवेन्यू, गोदरेज, वाव, ये बहुत ही अच्छे जो है पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नाइल कंपनी है, मामा अर्थ, बहुत ही फेमस कंपनी, फोग, कौन नहीं जानता, आजकल क्या चल रहा है भारत में, आपने विज्ञापन देखा होगा तो फोग चल रहा है ना। डॉट एंड की, ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा टीएसी टेक, ये आयुर्वेदिक, प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। बॉम्बे सेविंग कंपनी, अर्थ एवर यूथ और कोकोवेल, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा अभी कंपनी Within 2-3 days, यानी कि ये जो वीक चालू हो गया है, इसी के अंदर कंपनी एक बहुत बड़ा शॉपिंग पोर्टल आपके लिए लेके आ रही है, जिसमें हजारों की तादाद में प्रोडक्ट्स रहेंगे, हजारों की तादाद में, मतलब 50, 100, 200 नहीं, हजारों की तादाद में। तो जब आप वहां से शॉपिंग करेंगे अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स, तो जो शॉपिंग वैलेट आपको मिल गया है, यहाँ से आपको 65% या 60% प्रोडक्ट्स ये शॉपिंग पॉइंट यूज होंगे। केवल 30-35% या 40% आपको पे करना है और अपनी मर्जी का प्रोडक्ट ले लेना है। तो है ना शानदार, मतलब आधे से भी कम कीमत में आपको वहां पे सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और इतना डिस्काउंट किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पे नहीं मिलता जो अमेज मंत्रा के माध्यम से आपको और हमको और हमारे जानकारों को मिलने वाला है, राइट। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि यार अमेज मंत्रा में एक्टिवेशन करवा के हमने कोई गलती नहीं की, बल्कि हमें जितना पैसा दिया उससे कहीं ज्यादा का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको लाइफ टाइम भी मिल सकता है ना। तो जब हमें फायदा मिलता है साथियों, तो हमारी एक इंसान की एक कुदरती गुण होता है कि कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो भी हम लोगों को बताते हैं, और कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो भी लोगों को बताते हैं ना। कोई चीज अच्छी लगी तो लोगों को बताते हैं बहुत अच्छी चीज है, और कोई खराब चीज लगी तो उसको भी बताते हैं खराब है। ऐसा देखो, हर आदमी अपने जीवन में 50, 100, 200, 300, 400, 500 लोगों को तो जानता है ना। तो हम भी किस लोगों को बताएंगे। यहां तक आते आते आपको एक बात तो समझ में आ गई कि भाई हम यहाँ पर आके जो हमने आईडी एक्टिवेशन करवाया है तो अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं कंपनी के शॉपिंग पोर्टल से, और वो भी बहुत ही हैवी डिस्काउंट के साथ में, मतलब लेस देन 50% पे करके भी हम ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो हम यहाँ कंज्यूमर बन जाते हैं, यूजर बन जाते हैं ना, वैसे भी तो हम प्रोडक्ट्स खरीद ही रहे हैं ना। दूसरा, जैसे मैंने अभी बताया कि हम बहुत सारे लोगों को ये बताते हैं कि भाई हमने खरीदा तो हमें तो डिस्काउंट मिल गया, अच्छे प्रोडक्ट्स है और हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। तो जैसे हम अपने जानकारों को बताते हैं, है ना, तो वहां पर हम प्रमोट कर सकते हैं। तो हम यूजर तो रहेंगे ही, साथ में हम प्रमोटर भी कंपनी के बन जाते हैं। और प्रमोटर बनने का क्या फायदा होगा भाई, जैसे जैसे हम प्रमोट करेंगे तो हमें उसके बदले में कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ इनकम हमारी बन जाएगी। कैसे इनकम बनेगी, चलिए उसको देखते हैं। तो साथियों, हम यूजर भी हैं और प्रमोटर भी बन गए। तो अगर हम किसी एक व्यक्ति को अमेज मंत्रा के बारे में बताते हैं और वो भी अपनी आईडी का एक्टिवेशन करवाता है, रजिस्ट्रेशन करवा के, तो 1,000 रुपए में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, है ना, एक्टिवेशन हो जाएगा। उसका 10% यानी कि एक किसी को बताने पे हमें 100 रुपया वहां से रेफरल इनकम मिलेगी डायरेक्ट सेल्स बोनस के रूप में, राइट। अब ये क्यों मिलती है, ये तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग शॉपिंग पोर्टल है, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे मंत्रा हो, चाहे बिग बास्केट हो, तो ये प्रमोशन करने के कुछ ना कुछ पैसे हमें देते हैं, है ना। कोई 50 रुपये देता है, कोई 40 रुपये देता है, कोई 80 रुपये देता है, कोई 30 रुपये देता है ना। पेटीएम को भी आप रेफर करते हैं कहीं पे, गूगल पे को भी कहीं पे रेफर करते हैं, फोन पे को भी रेफर करते हैं, तो वहां पे भी रेफरल इनकम आपको दी जाती है वन टाइम। तो उसी तरीके से, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारतीय सरकार से ये पूरी तरह वाजिब है, इसको दिया जा सकता है ना। तो ये वन टाइम कंपनी 10% आपको देती है, एक व्यक्ति को आप रेफर करते हैं तो उसका आपको मिलता है
₹100। दो लोगों को अगर रेफर करते हैं तो उसका 200, सिंपल कैलकुलेशन है। और इससे ज्यादा को करते हैं, मतलब 10 लोगों को अगर आपने कर दिया तो ₹1,000। और इसमें कोई बंधन नहीं है, आप 10 नहीं 15, 20, 25, 30, 40, 50 जितने चाहे उतने लोगों को रेफर कर सकते हैं, है ना। कोई बंधन नहीं है, ना तो समय का है ना ही लोगों का। जितने ज्यादा लोगों को आप जानते हैं उतने ज्यादा लोगों को आप ये रेफर कर सकते हैं और मैक्सिमम डायरेक्ट सेल्स बोनस आप ले सकते हैं। चलो ये तो एक बारी मिल गया है ना, जैसे दूसरी कंपनी में भी मिल जाता है, जैसे अमेजन में, फ्लिपकार्ट पे, मंत्रा पे, सब जगह मिल जाता है। लेकिन वहां पर दोबारा उसका कुछ नहीं मिलता। एक बार रेफर किया आपको, वन टाइम ₹50, ₹60, ₹30 मिला, बात खत्म। लेकिन अमेज मंत्रा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये एक बारी तो मिल ही गया, लेकिन ये जो आप जिनको रेफर किया ना, ये आपकी टीम कहलाती है। और डेली ये जो टीम आपकी हो गई ना, इससे डेली के डेली आपकी इनकम आनी शुरू हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे पकड़ लेते हैं, आप तो ज्यादा लोगों को भी करेंगे, आप 10 पे रुकने वाले नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं 10 लोगों को आपने रेफर कर दिया। तो जो ये 10 लोग आ गए आपके रेफरल से, उनको बोला जाता है कि आपके लेवल 1 की टीम है ना, लेवल 1 की टीम है। ये 10 लोग आ गए, इनसे आपको पैसा मिल गया वन टाइम, जो आपने पिछली स्लाइड में देखा। लेकिन इन 10 लोगों से ₹5 प्रत्येक व्यक्ति डेली, यानी कि ₹50 डेली आपको आना शुरू हो जाता है। ₹50 डेली मतलब महीने का 30 दिन हुआ तो ₹150 यहाँ से आपको आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये 10 लोग जिनको आप लेके आए, इनके भी तो बहुत सारे आगे जानकार है ना, ये भी अपने कुछ लोगों को बताते हैं, है ना, ये भी सोचते हैं भाई हमें भी तो इनकम आएगी, तो ये भी अपने 10-10 लोगों को इसका रिकमेंडेशन करते हैं। तो इनके माध्यम से आपके लेवल 2 में, इनके माध्यम से जो लोग आएंगे 10-10, एक व्यक्ति ने 10 किया, दो ने किया तो 20 हो गया, 10 ने 10-10 किया तो 100 हो गया। ये जो 100 नए लोग आते हैं, ये आपके लेवल 2 के लोग कहलाते हैं। और इन सभी व्यक्तियों से जिनको आपने रेफर नहीं किया, उनसे भी आपको ₹2 प्रत्येक व्यक्ति आएगा डेली। इसका मतलब ₹200 डेली आना शुरू हो गया, महीने का अगर पकड़े तो ₹6,000। यहां तक आते आते अपने, आपने जिनको रेफर किया था ₹1,500 उनसे, और जो आपने रेफर नहीं किया है ना, आपके रेफर करने वालों ने रेफर किया, उनसे ₹6,000, मतलब ₹7,500 की एक एक्स्ट्रा इनकम आपकी बननी शुरू हो जाती है। अब ये 100 लोग भी सोचते हैं यार ये तो बड़े अच्छी बात है, हम भी करते हैं रेफर। ये भी 10-10 लोगों को रेफर करेंगे तो आपके लेवल 3 में 1,000 नए लोग आ जाते हैं अलग अलग शहरों से। इन 1,000 लोगों से प्रत्येक व्यक्ति से डेली ₹3 आपको मिलने वाला है, मतलब ₹3,000 प्रतिदिन। और सोच के देखिए, महीने का पकड़े तो ₹90,000। केवल इतना सा भी काम हो गया ना, तो लगभग ₹1,00,000 की आपको इनकम शुरू हो सकती है। या मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों को ये पहली लाइन में लेवल 1 में ₹5 प्रत्येक व्यक्ति, ₹50 डेली की इनकम अच्छी नहीं लग रही थी, वो यहाँ पर आते आते सोचते हैं अरे यार ये तो बहुत हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। साथियों, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। इसके आगे चलते हैं, 1,000 लोग भी कुछ लोगों को लेके आते हैं, 10-10 लोगों को मान लेते हैं, एग्जांपल लिया है तो चौथे लेवल में 10,000 नए लोग आपके आ जाते हैं। आप जानते भी नहीं है कौन कौन से शहर में कौन लोग आ गए। इन सभी लोगों से ₹4 प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि ₹40,000 डेली भी आपको इनकम मिलने वाली है। अब यहां तक आते तो बहुत इनकम हो जाती है। अब इसके बाद में भी तो लोग आएंगे ना, पांचवे लेवल में भी कुछ लोग आएंगे, है ना, तो उनसे प्रत्येक व्यक्ति से ₹5, छठे लेवल में, सातवें लेवल में, आठवें लेवल में, नौवें लेवल में, दसवें लेवल में, जितने भी लोग आते चले जाएंगे, इन सभी से आपको प्रत्येक व्यक्ति से ₹5 डेली आएगा। अब आप सोच के देखिए कि छोटी सी शुरुआत जो आपने की थी एक आदमी को रेफर करने की, वो कितनी बड़ी ह्यूज इनकम आपकी बन सकती है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये लाखों में चली जाती है, रादर देन मैं बोलूं कि ये तो करोड़ों में भी जा सकती है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, ये कंपनी कैसे देगी इतना? भाई सही सोचा है कंपनी ने भी, एक फार्मूला बनाया कि भाई आपकी जो भी इनकम बनती है उसमें से मैक्सिमम ₹32,000 डेली आपको दिया जा सकता है। और क्योंकि आपसे पहले जो आए बिजनेस में उनको भी देना है, आपको भी देना है, आपके बाद में भी तो जो लोग आएंगे उनको भी तो देना है ना, तो ₹32,000 ये लिमिट रहेगी पर डे की। साथियों, ₹32,000 पर डे भी कम नहीं है, ये महीने के नहीं बता रहा मैं, पर डे के। महीने का पकड़े तो ₹9,60,000 बनते हैं, है ना, तो ये दिया जा सकता है। अच्छा, लास्ट के कॉलम में आप देख रहे होंगे
वन प्लस थ्री प्लस ऐसे कुछ, इसको बाद में समझेंगे, इसके ऊपर मत जाना। जब आपने 10 कर दिए तो उसका कोई मुद्दा रह नहीं जाता है। अच्छा, ये किस फार्मूले से कंपनी देती है इसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं इनकम कैपिंग, है ना। जब आप पहली बार आए अपने ए पैकेज से, 1000 रुपए से अपनी आईडी को एक्टिवेट किया, तो आप कंपनी से 5000 रुपए की इनकम ले सकते हैं, 1000 रुपए का 5 गुना, है ना। और जब आप 10 डायरेक्ट कर लेते हैं तो आपके 5 लेवल ओपन हो जाते हैं, मतलब लेवल 1, 2, 3, 4, 5 से आप इनकम ले सकते हैं, राइट। जैसे आप 5000 की इनकम करते हैं तो अपनी आईडी को आपने अपग्रेड करना है 2000 रुपए से, और आपका रैंक हो जाता है, पैकेज होता है A1। अब आप 10000 रुपए तक की इनकम ले सकते हैं, और जब आप A1 हो जाते हैं तो आपका 6ठा लेवल भी ओपन हो जाता है, है ना। इसके बाद में जब 10000 की और इनकम ले लेते हैं तो फिर आप 4000 से फिर से अपनी आईडी को अपग्रेड करते हैं तो A2 रैंक पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर 20000 रुपए तक की आप इनकम ले पाएंगे और A2 बनने पे 7वां रैंक लेवल भी आपका ओपन हो जाता है। नेक्स्ट फिर 8000 रुपए से अपनी आईडी को आप अपग्रेड करते हैं तो A3 रैंक आप अचीव कर लेते हैं, 40000 तक की इनकम आप ले पाते हैं और 8वां लेवल भी खुल जाता है आपका। उसके बाद में आप A4 रैंक पे पहुंचते हैं 16000 से अपनी आईडी को अपग्रेड करने के बाद, 80000 रुपए तक यहाँ पर आप इनकम ले पाएंगे और A4 बनने पे आपका 9वां लेवल भी ओपन हो जाता है। और फाइनली 32000 से अपनी आईडी को अपग्रेड करके आप बनते A5 रैंक पे और 1,60,000 रुपए तक की इनकम यहाँ ले पाएंगे, 10वां लेवल भी आपका ओपन हो जाता है A5 बनने के बाद, राइट। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में 32000 से अपनी आईडी को आपने अपग्रेड किया, 1,60,000 की इनकम ली, फिर अगेन आप A5 32000 से अपनी आईडी को टॉपअप करेंगे, फिर 1,60,000 की इनकम लेंगे, फिर 32000 से आईडी को टॉपअप करेंगे, फिर 1,60,000 की इनकम लेंगे। ये सिलसिला लगातार निरंतर बार बार चलता रहेगा और आप ये इनकम कमाते रहेंगे। साथियों, जो भी इनकम हमारी होती है उसमें से 10% कंपनी रिजर्व करती है रिपर्चेज के लिए, और मैक्सिमम ये इनकम पर डे 500 ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। तो ये रिपर्चेज क्या बला है भाई, ये क्यों रिजर्व करती है कंपनी, इसको आगे देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक और इनकम के बारे में जान लेते हैं जिसको बोलते हैं अपग्रेड इनकम। देखिए, पिछली स्लाइड में आपने देखा कि आप एक एक रैंक को अपग्रेड करते हुए जाते हैं, तो आपके साथ जो लोग आए हैं वो भी तो अपनी आईडी को अपग्रेड करेंगे कि नहीं। तो आपने जिन लोगों को डायरेक्ट अपने बिजनेस में अपने साथ में लेके आए हैं रेफर करके, जब जब वो अपनी आईडी को अपग्रेड करेंगे तो इस टेबल के हिसाब से आपको अपग्रेड इनकम मिलती है 10%। कोई आपके डायरेक्ट वाला A1 से अपनी आईडी को 2000 रुपए से अपग्रेड करेगा तो आपको 200 रुपया फिर से मिलेगा, फिर वो A2 से 4000 से अपनी आईडी को अपग्रेड करेगा तो फिर 400 मिलेगा, फिर A3 से करेगा तो 800 मिलेगा, फिर A4 से अपनी आईडी को अपग्रेड करेगा तो 1600 रुपया मिलेगा, A5 रैंक पे आके फिर वो 32000 से टॉप अप करेगा तो फिर आपको 3200 रुपये मिलेगा। आपके डायरेक्ट रेफर किए हुए लोग अपनी आईडी को लगातार अपग्रेड करते रहेंगे और ये अपग्रेड इनकम आपको बार बार निरंतर मिलती रहेगी। अब चलते हैं उस इनकम की तरफ जो आपके पैसे रिजर्व किए थे कंपनी ने, 10% रीपर्चेज इनकम प्लान। देखिए, कंपनी के पास में इतना शानदार शॉपिंग पोर्टल अभी आ रहा है जिसमें हजारों की तादाद में प्रोडक्ट है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, आदमियों के लिए, घर के लिए, पर्सनल केयर, किचन, न जाने कितने प्रोडक्ट्स, है ना। कई प्रोडक्ट तो देख के आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं था, मैं सोचता तो था या सोचती तो थी लेकिन ऐसा प्रोडक्ट मुझे दिखाई नहीं कभी मार्केट में, ऐसा प्रोडक्ट भी आपको शॉपिंग पोर्टल पे देखने को मिलेगा। तो आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, तो कंपनी ने जो रिजर्व किया है वो फिर से आपका डिस्काउंट में यूज हो जाएगा, है ना। तो वहां से उसको आपको फिर से हैवी डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसे जैसे आप परचेजिंग करेंगे वैसे वैसे आपकी टीम जिनको आप लेके आए और उनके बाद में जो आपकी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे टीम बनती गई, वो भी तो परचेजिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जब वो परचेजिंग करेंगे तो आपको उसके ऊपर भी इनकम मिलने वाली है जिसको बोलते हैं रीपर्चेज लेवल बोनस, है ना। तो लेवल 1 के लोग कौन है, जिनको आपने डायरेक्ट रेफर किया था, है ना। तो ऐसे लोग जब जब परचेजिंग करेंगे उनकी खरीदारी का जो भी बिजनेस वॉल्यूम, जितना भी बिजनेस होगा उसका 10-12% आपको एज ए रिपर्चेज लेवल बोनस दिया जाएगा। और इनके द्वारा जो लोग आए उनको बोलते हैं लेवल 2, वो जो परचेजिंग करेंगे तो उसका मिलेगा आपको 10%। इसके बाद लेवल 3 से आपको आएगा 8%। लेवल 4 वाले लोग जब परचेजिंग करेंगे वहां से भी 6% आपको रिपर्चेजिंग कमाने वाली है। इसके बाद 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें,
ये सभी लेवल के लोग जब जब हर महीने अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे हैवी डिस्काउंट के साथ, तो उनकी खरीदारी के ऊपर जो भी जितना भी बिजनेस वॉल्यूम कंपनी का पूरे महीने में बनेगा उसके ऊपर 4% आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं रीपर्चेज बोनस। और साथियों अच्छी बात यह है इसमें कि रीपर्चेज लेवल बोनस के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ये आपकी इनकम हजारों में भी हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है, करोड़ में भी हो सकती है, इसके ऊपर कोई इनकम कैपिंग नहीं है। इसके साथ साथ रीपर्चेज इनकम प्लान को कंप्रेसिव भी बनाया गया है, इसको कंप्रेसिव लेवल प्लान लेवल बोनस भी कह सकते हैं। ऐसा इसका मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपकी टीम में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहता है मैं तो खरीदारी करता नहीं, उसकी टीम में भी कई सारे ऐसे लोग हैं लेवल टू में, लेवल तीन में, चार में, पांच में, जो कहते हैं हम भी नहीं खरीदारी करते, तो ना करो। नीचे वाले खरीदारी करते हैं, है ना, तो जिस महीने ऊपर वाले लोग खरीदारी नहीं करेंगे और नीचे वाले लोग खरीदारी करेंगे, मतलब लेवल 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 वो लोग खरीदारी करेंगे, ऊपर वाले नहीं करेंगे, तो नीचे वाले लोग शिफ्ट होके ऊपर आ जाएंगे और आपको ज्यादा परसेंटेज के साथ में वो प्रॉफिट देंगे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कभी खाली नहीं जाएगा, हमेशा भरता रहेगा, और यही इसकी ब्यूटी है कि ये कंप्रेसिव है। राइट, मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं रिपर्चेज के ऊपर ही कंपनी ने एक और इनकम आपको देने का फैसला किया कि एक लीडरशिप बोनस के रूप में भी आपको एक इनकम दी जाए। जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हैं, आपकी टीम बढ़ती जाती है, संख्या बढ़ती जाती है, तो जब आपकी टीम 500 लोगों की हो जाती है टोटल, एक लेवल से लेके 10 लेवल तक, तो आप सिल्वर कंपनी में बन जाते हैं और कंपनी के पूरे महीने का टर्नओवर जो भी होगा रीपर्चेज का, उसका 6% निकाल के अपने जितने भी सिल्वर कंपनी के होंगे उनको बराबर बराबर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 1500 लोगों की टीम जैसे ही आपकी हो जाती है टोटल, तो आप गोल्ड कंपनी में कहलाते हैं, गोल्ड डिस्ट्रीब्यूटर आप बन जाते हैं, और कंपनी अपने गोल्ड के लिए भी 6% रीपर्चेज के टर्नओवर का टोटल निकालती है और इनको अलग से बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 3000 लोगों की टीम होने पर आप कंपनी में बन जाते हैं प्लैटिनम, और प्लैटिनम बनने पे आपको कंपनी की टोटल टर्नओवर का 4% का जो टर्नओवर होगा उसमें हिस्सेदारी दी जाती है। नेक्स्ट आप 5000 की टीम जैसी हो जाती है तो आप बनते हैं एमराल्ड, और अपने एमराल्ड के लिए कंपनी टोटल टर्नओवर का मंथली रीपर्चेज जो भी होगा उसका 2% कंपनी निकालती है। और फाइनली जब आपकी 7500 लोगों की टीम हो जाती है तो आप हो जाते हैं कंपनी में एमराल्ड, और कंपनी यहां पर भी 2% अलग से कंपनी के टोटल टर्नओवर रिपर्चेज का होगा उसमें से निकाल के अपने डायमंड्स के लिए अलग से डिस्ट्रीब्यूट करती है। साथियों जब आप डायमंड बनेंगे ना, तो खाली कंपनी में नहीं, आपके घर में, आपके शहर में, आपके पूरे राज्य में, हो सकता है आपके पूरे प्रदेश में भी आपकी धूम होगी, हजारों नहीं लाखों नहीं, हो सकता है करोड़ रुपए की भी आप इनकम ले रहे होंगे। एक अलग ही रुतबा आपका रहेगा, एक अलग ही सम्मान आपका रहेगा आने वाले समय में, कैसा रहेगा वो भी आने वाले समय में पता लगेगा। साथियों कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं, वैसे सारी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी साथ साथ, लेकिन फिर भी रिव्यू कर लेते हैं। मैक्सिमम टोटल इनकम कैपिंग आपकी उतनी रहेगी जितना आपका पैकेज है ना, उसका 5 गुना रहेगा। और डायरेक्ट 10 आपने कर लिए तो ये कोई कंडीशन नहीं है, 10 डायरेक्ट करने हैं, सिंपल बात है सारे लेवल की इनकम लेने के लिए। प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन शॉपिंग से आप परचेजिंग कर सकते हैं, रीपर्चेज का डिडक्शन को या रिजर्व कहो कंपनी 10% रिजर्व करेगी जो भी इनकम आपकी होगी लेवल इनकम में, मैक्सिमम 500 रुपए इसमें रिजर्व करेगी, उससे ज्यादा नहीं करेगी। हर महीने रीपर्चेज की इनकम लेने के लिए आपको खुद से 500 रुपए का कम से कम सामान परचेज करना होगा, 500 या उससे ज्यादा, तो आप रीपर्चेज में हिस्सेदार होंगे। मिनिमम विड्रॉल, जब भी आपकी इनकम 300 रुपया उससे ज्यादा हो जाती है तो आप अपने बैंक में विड्रॉ ले सकते हैं इनकम को, और कंपनी अपने रखरखाव के लिए 5% एडमिन का भी आपकी इनकम में से डिडक्ट करेगी। साथ में जब आप बैंक में ट्रांसफर करेंगे तो 5% TDS आपके पैन कार्ड के ऊपर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से जमा करवाया जाता है, वो डिडक्शन होगा। कंपनी कल को फिर कुछ बेहतर करना चाहती है तो उसके लिए राइट्स जो है कंपनी के पास में रिजर्व रहेंगे। सो साथियों पूरा प्रेजेंटेशन आपने देखा, नाउ यू हैव 2 choices, आपके पास में 2 रास्ते हैं। पूरा प्रेजेंटेशन तो आपने देख लिया, पहला ये कि जो भी आपने देखा फॉरगेट इट एंड गो टू योर नॉर्मल लाइफ, भूल जाइए क्या है कुछ भी है ना, और अपनी नॉर्मल लाइफ जैसी चल रही है उसमें चले जाइए।
दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है कि जो भी आप कर रहे हैं, जितना आप कमा रहे हैं वो कमाते रहिए, डोंट डिस्टर्ब योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। और साथ में जो भी आपका स्पेयर टाइम बचता है उसमें आप थोड़ा सा समय निकालिए, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, जो भी डेली का है, और ध्यान से समझते हुए, सीखते हुए इस बिजनेस को करना शुरू कीजिए। तो शुरुआत तो 5 रुपए से ही होगी, है ना, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, और एक दिन आते आते 2 से 3 महीने में आप इस बिजनेस में लाखों रुपया महीना कमा रहे होंगे। तो अमेज मंत्रा में शामिल हो जाइए, जिस भी व्यक्ति ने आपको बताया उसके साथ, और सीखते हुए आगे बढ़िए। एक सक्सेसफुल लाइफ आपका इंतजार कर रही है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके और आपके परिवार के लिए। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। एंडलेस पॉसिबिलिटी मतलब यहाँ पे इतनी संभावनाएं हैं ग्रो करने की कि आप उसको उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना। जैसे बच्चों की एजुकेशन के लिए अपने को पैसे चाहिए, घूमने के लिए पैसे चाहिए, अच्छी कार खरीदने के लिए चाहिए, सब कुछ संभव है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। एंड आपने बहुत शानदार, बहुत ही धैर्य से इस पूरे प्रेजेंटेशन को देखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी कामयाब बने और सफल हों, लाखों रुपए इस बिजनेस के माध्यम से बनाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।